लाहौर से हार्ले ओनर ग्रुप्स के तावन से हैवी बाइक्स का स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंचा। इस्लामाबाद से दिकलान ग्रुप्स ने लाहौर से आए हैवी बाइक्स राइडर्स का शानदार इस्तकबाल किया। यहां से बाइक राइडर्स एक रैली की सूरत में मरी रवाना हो गए। ये रैली हार्ले ओनर ग्रुप्स के जेर एहतमाम मुनक्किद हुई। इस रैली का मकसद 6 सितम्बर को पाक फौज और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना था। 6 सितम्बर का दिन पाकिस्तान की दिफा और अस्करी ताकत को मजबूत करने की यकीन दहानी है, ताकि हर आने वाले दिन में किसी भी हमले से बदतरी कैसे निपटा जा सके। इस रैली में दुनिया के महंगे और दिलकश हैवी बाइक्स थे। बाइक राइडर्स का होम एंटरटेनमेंट टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये एक पुरमन रैली है। इस रैली में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के राइडर्स शामिल हैं। रैली का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को दुनिया के सामने उजागर करना है। हम लोग जी लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के राइडर्स इकट्ठे हुए हैं। सारों को मोटर बाइक्स का शौक है और मकसद ये है कि हमारा जो हमें मोटरसाइकिल्स का तो वैसे ही बहुत शौक है। हमारा मुल्क जो है ना पाकिस्तान, बहुत खूबसूरत है, दुनिया के किसी मुल्क से भी कम नहीं है। हम ये चाहते हैं अपनी इस रैली से, अपनी इन बाइक राइड से लोगों को दिखाएं, शोकेस करें कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। जो दूसरे मुल्कों में सियाह जाते हैं देखने के लिए, उनकी खूबसूरती पाकिस्तान को कभी देखें, हमारी नज़रों से देखें और देखें ये शहर और ये मुल्क कितना खूबसूरत है, और आएँ आप भी आके इसको इन्जॉय करें। ये हमारे भाई हैं जी, लाहौर से आए हैं, हॉक ग्रुप के ये लोग हैं, सारे हार्ले डेविडसन ओनर्स हैं, और इनको हम जो द क्लैन है इस्लामाबाद का, हम लोग इनको यहाँ इस्लामाबाद में रिसीव कर रहे हैं आज। और बस दिस इज़ ये हमारा कल्चर है ऑल ओवर पाकिस्तान बाइकर्स का, कि जब एक सिटी से दूसरे सिटी में बाइकर्स का एक ग्रुप या क्लब जाता है तो उसको जो दूसरे सिटी के बाइकर्स हैं वो रिसीव करते हैं। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, और हैट्स ऑफ टू देम जी, के इस मौसम में जबकि मॉनसून के स्पेल्स भी चल रहे हैं तो दे आर गन राइड अप टू मरी, और हम इनको बस इनको ग्रीट कर रहे हैं यहाँ पे, और विश देम बेस्ट ऑफ लक, और दुआ है कि इनको ये इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। हम आए हैं पूरा एक टोला लेके लाहौर से खैरा गली, नथिया गली जाने के लिए ऑन आर हार्ले डेविडसन। आई थिंक वी लाइक मोर देन 25 to 30 बाइक्स राइट नाउ, और हम सारे बड़े एक्साइटेड हैं, एंड इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे कि राइड हमारी सेफ रहे। यहाँ पे हमारी इस रैली का मकसद है टू प्रमोट हेल्दी एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक बाइकिंग, और वी आर गोइंग टू नथिया गली एंड खैरा गली फॉर दैट, और इन्जॉइंग दिस वेदर। लाहौर से आए हैं, हॉग लाहौर से है, हॉग पाकिस्तान, और हमें इस्लामाबाद क्लैन ने मतलब वेलकम किया है इधर इस्लामाबाद जना सुपर में, और हम आगे नथिया गली जा रहे हैं, और एक हमारा टूर है, और हम बिल्कुल डिसिप्लिन राइडर्स हैं, और इसे अब आप देखिएगा हम बिल्कुल स्क्वाड में निकलते हैं। एक उसमें ये नहीं है कि कोई रेविंग कर रहा है कोई स्पोर्ट्स बाइकर्स की तरह जिस तरह वो लोग रेस करते हैं, हम लोग एक डिसिप्लिन राइड होता है और हमारा एक प्लान होता है, उसके मुताबिक हम लोग चलते हैं। लाहौर से इस वक्त बाइक सारे यहाँ पे पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद में, और यहाँ से सीधा अब हम खैरा गली राइड करते रह जाएंगे। ये बेसिकली इट्स जस्ट हॉबी, लोगों को बाइक राइडिंग का शौक है और वो इस तरह की एक्टिविटीज़ रखना चाहते हैं और अपने होम, अपने वतन को, अपने मुल्क को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और हमारी भी यही रिक्वेस्ट है आगे गवर्नमेंट से भी कि हमें इस तरह के एक्टिविटीज़ प्लान करने के लिए मौके फराहम किए जाएं, ताकि हम मजीद से आगे एक्टिविटीज़ को लेके चल सकें। मरी रवानगी से कबर राइडर्स का मजीद कहना था कि ये रैली मुकम्मल नज्म जब्त के साथ इस्लामाबाद से नथिया गली मरी की तरफ रवाना होगी, जहाँ वो एक दिन क्याम करके संडे को वापस रवाना होगी। लाहौर से स्पेशली हम जा रहे हैं खैरा गली अपनी बाइक पे, हॉग लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाह सारे भाई मिलके अराउंड 32 राइडर्स हैं, जो कि हम उधर जाके इंशाल्लाह ताला 3 दिन का हमारा ट्रिप है, तो खैरा गली में जाके हम उधर एंजॉय करेंगे। मैं प्रॉबेबली इस ग्रुप का सबसे बुढ़ा राइडर हूँ, मेरी उम्र 74 साल है। लाहौर से मैं आया हूँ और मैं कल का आया हुआ हूँ इधर। ये बेसिकली होता ये है कि आप किसी को भी नहीं जानते और फिर आप इस तरह की राइड में जानते हैं तो आपके सारे दोस्त बन जाते हैं और आपका एक विजन एक्सपैंड होता है, आपको पता चलता है कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने अपने खुडों में घुसे हुए होते हैं, अपने कामों में घुसे हुए होते हैं, उस सर्कल से बाहर निकलते नहीं हैं। तो ये इतने डाइवर्सिफाइड है कि ये कोई मल्टी बिलियनर होएगा, एक कोई नॉर्मल बंदा होगा, कोई यू नो सारे, और शौक से करते हैं। जाना हम लोगों ने इधर से खैरा गली है, खैरा गली से फिर आगे एक कोई लेक है एबटाबाद और नथिया गली के दरमियान, उसमें जाना है और उधर हमारा लंच है और फिर हम लोग वापस आएंगे, फिर खैरा गली रात को रहेंगे, उधर डिनर है। दुनिया को पैगाम मैं ये दे रहा हूँ कि इधर इतनी हेट्रेड फैली हुई है, हम लोग सारे एक दूसरे को कहते हैं कि जी वो बंदा
क्योंकि लंबा है तो वो ठीक नहीं है, वो क्योंकि शिया है वो ठीक नहीं है, वो क्योंकि वाबी है वो ठीक नहीं है। ये चीज़ें सारी इसमें ख़त्म हो जाती हैं। इसमें ना आपको कोई ये पता है कि किधर का है किधर का नहीं है, आप सारे एक ही होके जाते हैं। और मेरा ख्याल है ये ह्यूमैनिटी में ये बड़ा बहुत बड़ा लेसन है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे आए हैं लाहौर से, हॉग लाहौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर लाहौर को, और हम लोगों का तकरीबन 30 पीपल का स्क्वाड है। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ से जाएंगे आगे नथिया गली। लाहौर से आए हैं और हम लोगों का यही है कि आजकल जो जितना डिप्रेस्ड और एनवायरनमेंट चल रहा है उसके अंदर ये एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग सारे SOPs को फॉलो करते हुए अपने जो है इनको आगे अपने राइड को लेके चलेंगे। इस्लामाबाद से हम लोग जाएंगे नथिया गली और वहाँ पे फिर हम लोग स्टे करेंगे। बेसिकली हमारा जो पर्पस है इस रैली का वो ये है कि हमने एक मैसेज ऑफ पीस प्रमोट करना है कि पाकिस्तान का जो इमेज बना हुआ है वो सिर्फ वो नहीं है जो कि हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड को पता है, तो हमने उन्हें दिखाना है कि जो चीज़ें पूरी दुनिया में होती हैं वही चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर शौक बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट हो रहा है वक्त के साथ साथ, आप देखें कि इतनी ज़्यादा बाइक्स आई हैं यहाँ पर, तो और जो लोग आए हैं वो पैशनेट हैं इस चीज़ के बारे में, तो इसलिए मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये द हार्डेस्ट स्टोर का। और मेरे ख्याल से मज़ीद लोगों को इसमें आना चाहिए और आके इस चीज़ को प्रमोट करें। फिर दुनिया को तो हम यही पैगाम दे रहे हैं जी कि हम भी बड़े अच्छे और बड़े पीसफुल लोग हैं, हम भी वही काम करते हैं जो पूरी दुनिया में लोग करते हैं, हमारे भी शौक वैसे हैं। पाकिस्तान का जो परसेप्शन है कि ये गाँव है ऐसा की चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं है माशाल्लाह यहाँ पे, बल्कि जिस तरह दुनिया में जो प्राइसेस हैं बाइक्स की उनसे डबल प्राइसेस पे हर एक ने ख़रीदे, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे लोग अच्छे पॉजिटिव माइंड्स रखते हैं और अच्छे शौक हैं सबके। सो हार्लेस ग्रुप इज़ करेंटली इन इस्लामाबाद एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स खैरा गली नाउ। देर आर अबाउट 30 बाइकर्स एंड द मैसेज इज टू प्रमोट पीस एंड टू गेज मोर इंटरनेशनल बाइकर्स फॉर राइडिंग इन पाकिस्तान। इट्स अ पीसफुल कंट्री, डू कम हियर। दुनिया को पैगाम है कि जिस तरह हम लोग यानी कि अमेरिका के साथ अफिलिएटेड है हॉग ग्रुप, तो पाकिस्तान में भी इसकी प्रेजेंस है, और हम आगे ये यूनिटी का पैगाम देते हैं दुनिया को कि हम आगे यूनाइटेड होकर चलना चाहते हैं, और ग्लोबलाइजेशन का ये एक सफ़र है जो आगे चलेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान को लेके साथ। हमारा मकसद है कि हम बाइकर सेफ्टी को हाईलाइट करें। हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं विद फुल सेफ्टी गियर, इसमें हमारे पास नी पैड्स, हेलमेट्स, प्रोटेक्टिव जैकेट्स वगैरह, ग्लव्स, ये सारी हम पहन के जाते हैं, और हम एक फॉर्मेशन में जाते हैं एक डिसिप्लिन का और सेफ्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको हमारे राइड के अंदर क्लियरली नज़र आएगा। हम हॉग लाहौर से आए हुए हैं नथिया गली की राइड के लिए, तो सब मेंबर्स आज इकट्ठे हुए हैं कि हम नथिया गली की राइड करें, तो हमारा मकसद है कि एक अच्छी यूनिटी सबके लिए दें कि हम अच्छी राइड करते हैं ताकि हमारे लिए मोटिवेस भी खोली जाएँ। से हार्ले ओनर ग्रुप्स के ऑर्गेनाइजर तुकीर अमन ने कहा कि हार्ले ओनर ग्रुप्स ने अपनी मदद आपके तहत इस रैली का एहतमाम किया, बाइक राइडर्स ने बढ़ चढ़कर इस रैली में हिस्सा लिया। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की रैलियों का एहतमाम करे ताकि पाकिस्तान का मजीद सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने नजर आए। मेरा नाम तौकीर अहमद है और मैं हार्ले स्टोर लाहौर का ओनर हूँ, प्लस हार्ले ग्रुप हार्ले चैप्टर लाहौर, हार्ले लाहौर चैप्टर जो है उसका मैं कैप्टन हूँ। आज की राइड का आइडिया ये है कि एक बाइकर्स के थ्रू एक सॉफ्ट में जो पाकिस्तान को प्रमोट करना, सेकंडली प्रॉपर SOPs के थ्रू दुनिया को ये पैगाम देना जी कि पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री वापस ओपन हो रही है, हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की कोरोना के लिए, ख़त्म नहीं हुआ वी एग्री, बट एहतियात ज़रूरी है और एहतियात के साथ अभी भी टूरिज़म को पाकिस्तान की बहाल किया जा सकता है। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे होस्ट उमेर जसवाल का इस्लामाबाद में, जो कि हमारे एक बाइकर ब्रदर भी हैं, कि उन्होंने हमें इनवाइट किया, ब्रेकफास्ट किया। अभी हम लोग यहाँ से नॉर्दर्न एरिया नथिया गली वगैरह जा रहे हैं, हम लोग के तकरीबन 30 के करीब राइडर्स हैं, लाहौर से आए हैं नॉर्दर्न एरिया, 3 दिन हम वहाँ पे ट्रैवल करेंगे, फिर उसके बाद वापसी, फिर इंशाल्लाह अब सीज़न स्टार्ट हो रहा है, लेकिन विद प्रॉपर SOPs, मास्क पहने, अपने सैनिटाइज़र रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, उसके साथ हम लोग जो है जैसे ही विंटर स्टार्ट हो रहा है हमारे और टूर जो प्लान हो रहे हैं। अभी तो सिर्फ लाहौर के राइडर्स हैं, गोइंग फॉरवर्ड अभी हमारे कराची के भी राइडर्स के ग्रुप बन रहे हैं, कराची खुंजराब, फिर उसके बाद हम भावलपुर राइडर्स भी आते हैं, हमारे साथ मुल्तान से भी आते हैं, लाहौर इस्लामाबाद राइडर्स भी हमें ज्वाइन करते हैं, इस तरह पंजाब और डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज़ के हमारे टूर्स होते हैं, फिर लाहौर राइडर्स का प्लान है, हम लोग ग्वादर भी टूर पे जा रहे हैं,
थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए। तो ये एक पूरी बाइकर कम्युनिटी है जो कि सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का बाहर भेजना चाहती है कि टूरिज़्म भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, और जो यहाँ के नॉर्दर्न एरियाज़ और जो आपके पास यहाँ पे माउंटेन्स हैं 8000ers हैं, उन सारों को हम एक कम्बाइन एक पूरा पैकेज बना के थ्रू आर रोड्स एंड बाइक्स हम एक प्रेजेंट करना चाहते हैं। नहीं नहीं, स्पॉन्सर्ड नहीं, हमारे सारे बाइकर्स खुद ही कंट्रीब्यूट करते हैं इसके अंदर। हम सिर्फ ये कि इतना एफर्ट करते हैं कि हमारा जो क्लब है जिसका हॉग लाहौर चैप्टर है, हार्ले ओनर्स ग्रुप लाहौर चैप्टर, तो हमारी कमेटी मिलके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, फिर सारे इक्वली शेयर करते हैं, और शुक्र है हमारे राइडर्स बड़े इस चीज़ के अंदर दिल खोल के हिस्सा लेते हैं। देखिए, एक सबसे पहला जो हुकूमत से एकदम इकदाम कहेंगे वो कहेंगे जी कि आप हमारे लिए मोटरवे खोलें और सेफ़ राइडिंग, आप जो भी आपकी गवर्नमेंट अपनी ट्रैफिक पॉलिसीज़ बनाती हैं हम उस पर अडेयर करने को रेडी हैं, और सेकेंडली आप इस चीज़ को प्रमोट करें बिकॉज ग्लोबली दुनिया में बड़े बड़े बाइकर्स के इवेंट्स होते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और हमें इसके अंदर सपोर्ट करें, हम पाकिस्तान में भी एक बाइकर्स का इवेंट करें, क्रूजर्स के लिए हम यहाँ पे इवेंट कॉल करें और सबको यहाँ पे इनवाइट करें पाकिस्तान में। स्पॉन्सर तो दूर की बात है, हम कहते हैं भी हमारे लिए मोटरवे खोल दें, थोड़ी कस्टम ड्यूटीज़ कम कर दें, वही काफ़ी है ताकि अफोर्डेबल प्राइस में बाइक आ जाए। इस्लामाबाद में 2 घंटे का क्याम करने के बाद रैली मरी की तरफ रवाना हुई। मुकम्मल नज़्म ज़ब्त के साथ जब रैली मरी की तरफ रवाना हुई तो जिसने भी देखा तारीफ किए बगैर ना रह सका। मरी की बारिश और खुशगवार मौसम में रैली मरी पहुंची। राइडर्स ने सफर को बहुत एंजॉय किया और इस सफर को यादगार सफर करा दिया। मरी एक दिन क्याम करने के बाद ये रैली इतवार को वापस रवाना होगी। अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे और हम सब का हामी और नासिर हो। कैमरामैन जुनेद और सैयद अली गिलानी के साथ अदील मुमताज, होम एंटरटेनमेंट टीवी, इस्लामाबाद।